नमस्कार मित्रों, मैं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। तो खबर लखनऊ से है, जहां मेदांता अस्पताल लखनऊ का एक स्वास्थ्य संस्थान है जो उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। यह अस्पताल विभिन्न विशेषज्ञों के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, मधुमेह और अन्य। मेदांता अस्पताल लखनऊ में उन्नत तकनीक सुविधाएं और मॉडर्न चिकित्सा उपकरण है, जो कि रोगियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके साथ ही अस्पताल में अनुभवी चिकित्सक और सहायक कर्मचारी हैं, जो रोगियों को संवेदनशीलता और उच्च स्तरीय सेवा प्रदान करते हैं। वहीं मेदांता अस्पताल लखनऊ ने अपने प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए उच्च स्तर पर मान्यता प्राप्त की है, और यहाँ के चिकित्सकों और कर्मचारियों का मानवीय दृष्टिकोण भी प्रशंसनीय है। आपको बता दें तो मेदांता अस्पताल लखनऊ का मुख्य उद्देश्य रोगियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है और उन्हें उच्च स्तर की चिकित्सा सेवा प्रदान करने व उनका समर्थन करना है। इसके अलावा अस्पताल में रोगी और परिवारों के लिए आरामदायक और सुरक्षित माहौल है, जो कि उनके इलाज की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। यहाँ की आपूर्तिकर्ताओं और चिकित्सा स्टाफ ने उच्चतम स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को समर्पित किया है। आपको बता दें तो मेदांता अस्पताल लखनऊ से न शिरकतों के प्रतिसाद के क्षेत्र में उच्च स्तर प्राप्त किया है और न ही निराशा के आधार पर किसी भी सेवा को प्रदान किया है। संक्रामक बीमारियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए अस्पताल ने सभी आवश्यक सुरक्षा और साफ सुथरी के उपाय अपनाए हैं। वहीं मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन उपचार की आवश्यकता क्यों है, आइए आपको सुनाते हैं मेदांता अस्पताल के एंडोक्रिनोलॉजी एवं डायबिटीज विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष गुच ने क्या कहा है, आप सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मेदांता अस्पताल लखनऊ से। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है थायराइड डिसऑर्डर के बारे में, मतलब थायराइड से होने वाली दिक्कतों के बारे में। आप जैसे आप सब लोग को पता ही होगा, कुछ मिथ होते हैं इसके साथ, कुछ भ्रांतियां हैं थायराइड ग्लैंड के साथ, थायराइड के होने वाले रोगों के साथ। तो उस भ्रांतियों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे, हम लोग कुछ सीरीज में वीडियोस निकालेंगे। तो हमारा पहला जो अभी आज का शीर्षक है, उसमें हम थायराइड के जनरल बेसिक चीजों पर बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको पता ही होगा, जैसे आप किसी से पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो सबसे पहले होता है नहीं मुझे थायराइड है। दूसरा फिर किसी और से पूछेंगे, वो भी बोलता है मुझे थायराइड है। तो ऐसी बात नहीं है, थायराइड हर किसी को है। थायराइड एक गठान है, एक ग्लैंड है जो गले के अंदर होती है, गले के सामने की तरफ होती है। इसका वजन लगभग 25 ग्राम के आसपास होता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि उसे थायराइड है, तो थायराइड सबको है, मगर थायराइड की कमी के कारण, हार्मोन की कमी के कारण, या थायराइड के हार्मोन की ज्यादा स्थिति में आने के कारण कोई अगर दिक्कत आ रही है, तो उसको थायराइड डिसऑर्डर बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज के थायराइड अगर बोल देते हैं आप, तो उससे थायराइड की बीमारी का पता नहीं चलता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर ये थायराइड होता क्या है, करता क्या है। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि थायराइड एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है, जिसके अंदर दो हार्मोन बनते हैं। उन हार्मोन्स को T3 और T4 का नाम दिया गया। ये दोनों के दोनों हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ग्लैंड के अंदर बनते हैं। इसका काम बेसिकली आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, मतलब शरीर की जो क्षमता है चलाने फिराने की, और जो शरीर में मेटाबॉलिक रेट होता है उसको कंट्रोल करता है ये T3 एंड T4। अब ये दोनों अवस्था में जा सकता है। ये T3 और T4 नामक हार्मोन थायराइड ग्लैंड के अंदर कम भी बन सकता है, T3 T4 हार्मोन थायराइड ग्लैंड के अंदर ज्यादा भी बन सकता है। अगर ये अवस्था जिसमें थायराइड हार्मोन ग्लैंड के अंदर अगर कम बन रहा है, तो उसको हाइपोथायराइडिज्म का नाम दिया गया, और अगर यही T3 और T4 ज्यादा बन रहा है, तो उसको हाइपरथायराइडिज्म का नाम दिया गया। तो आपको समझना चाहिए कि क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या उपाय होने वाले हैं, इसको उपचार हो सकता है इसका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथायरायडिज्म की। हाइपोथायरायडिज्म कहने का सबसे सिंपल, जैसे कि वर्ड बता ही रहा है कि हाइपोथायरायडिज्म कहने का मतलब है कि थायराइड हार्मोन ग्लैंड के अंदर अब काफी कम बन रहा है। मतलब अगर कभी भी थायराइड हार्मोन आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर कम बनेगा, तो उसे हाइपोथायरायडिज्म का नाम दिया जाएगा। इसके कुछ लक्षण होते हैं, मगर मैं जितने भी आपको लक्षण बताने की कोशिश करूंगा, उसके लिए थायराइड के अंदर कोई भी लक्षण स्पेसिफिक नहीं है। कहने का यह मतलब है कि अगर आपको एक दिक्कत है, तो उसमें हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि नहीं ये थायराइड के कारण ही होगी। अच्छा, वो लक्षण क्या हो सकते हैं? लक्षण वो हो सकते हैं ज्यादा हेयर फॉल, मतलब बाल गिरना, कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत होना,
अतिरिक्त वजन बढ़ जाना, शरीर में थकावट कमजोरी महसूस होना, अतिरिक्त ठंडापन लगना, पैरों में सूजन आ जाना, कई बार चेहरे पे भी सूजन देखने को मिलती है इसी के साथ, और जैसे कि ठंड ज्यादा लगना। तो ये सारे के सारे लक्षण क्या थायराइड के कारण है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दिक्कतें आपको किसी और बीमारी के अंतर्गत भी हो सकती हैं, मगर हाँ थायराइड के मरीजों में ये चीजें कुछ हद तक ज्यादा देखने को मिलती है। हम एक उसको उदाहरण के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई मरीज मेरे पास आता है, वो ये बोल रहा है कि मेरे पहले से बाल काफी हद तक टूटने लगे हैं, हम जैसे ही थायराइड की जांच कराते हैं, थायराइड एकदम नॉर्मल आ जाता है, तो हमें समझाना पड़ता है कि ये थायराइड के कारण नहीं है, ये किसी और बीमारी या और किसी कंडीशन के कारण हो सकता है। दूसरा वो मरीज हमारे पास आता है जिसको पहले से थायराइड की दिक्कत है, वो आके बता रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे पहले से 10-12 साल हो गए मुझे थायराइड की दिक्कत है, अब मेरे बाल पहले से ज्यादा टूटने लगे हैं। तो हम जैसे उसकी थायराइड की रिपोर्ट कराते हैं, अगर वो नॉर्मल आ रही है, तो उसका ये कहने का मतलब है कि थायराइड तो आपका कंट्रोल है, मतलब कि थायराइड अगर कंट्रोल है तो ये दिक्कत अब थायराइड के कारण नहीं है, इसके लिए आपको किसी और बीमारी से हो सकता है कि दिक्कत हो रही हो, तो उसके लिए हमें अलग परामर्श करना पड़ेगा, मतलब किसी और डॉक्टर से हमें एक और बार सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से अगर आपका वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ना अकेला थायराइड के कारण नहीं, उसके लिए कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे खून की कमी, किडनी की दिक्कत, लीवर की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत या कोई और संबंधी दिक्कत हो सकती है। तो कोई भी दिक्कत थायराइड के कारण स्पेसिफिक नहीं है, वो दिक्कतें किसी और दूसरी बीमारियों के कारण भी हो सकती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल कई बार पेशेंट हमसे पूछते हैं, क्या थायराइड की गोली जिंदगी भर खानी पड़ती है? तो थायराइड की गोली क्या जिंदगी भर खाने के लिए, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि थायराइड के प्रकार कैसे होते हैं, जिसको हम पहले सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म की बात कर रहे हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर प्रकार की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो होता है ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म। ऑटोइम्यून कहने का मतलब है हमारे शरीर के अंदर कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है, जो आपके थायराइड के ग्लैंड के अंदर थायरोक्सिन नामक हार्मोन की पावर को कम कर देते हैं या उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं, या फिर जो सेल थायरोक्सिन हार्मोन बना रहे होते हैं उसको कम करवा देते हैं। तो उसके कारण जब भी आता है तो इसमें आपको थायरोक्सिन की गोली लाइफ लॉन्ग लेनी है। इसमें आपको ऐसा नहीं चलेगा कि मैं 15 दिन खा लूंगा, 20 दिन खा लूंगा, डॉक्टर साहब मैंने 2 महीने थायराइड की गोली खाई थी, उसके मेरे पास थायराइड कंट्रोल हो गया था तो मैंने थायराइड की गोली बंद कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप जैसे थायराइड कंट्रोल होगा, अगर आपको ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको गोली जिंदगी भर खानी है, बीच में उसको बंद नहीं करना। सबसे उपयोगी सलाह आपके लिए यही है। दूसरा एक वो थायराइड होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का ही प्रकार, जो कई बार दवाइयों के खाने के कारण आता है या किसी और, आपको जैसे आप कहीं हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो कोई ड्रिप लगाने के कारण है। जो दवाइयों के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म आता है वो दवाइयों के बंद करने के बाद चला जाता है, इसको हम टेम्परेरी बोलते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 3 महीने या 6 महीने दवाई बंद करने के बाद खत्म हो जाता है। ये ज्यादातर हार्ट की कुछ दवाइयां होती हैं जिसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म आने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती है। एक वो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जो कई बार वायरल फीवर के कारण आता है, जैसे आपने देखा ही होगा, जैसे कोविड केसेस आए थे हमारे पास, कोविड के कारण थोड़े टाइम तक थायराइड हार्मोन के अंदर डिस्टरबेंस होता है और आदमी जब कोविड से रिकवरी करता है तो उससे लगभग 3 से 6 महीने बाद उसको थोड़ा सा थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, मतलब थायराइड हार्मोन कम बनता है या रिकवरी में होता है वो। ऐसे केसेस में आपको थायराइड की जो दवाई है वो टेम्परेरी रूप में 3 से 6 महीने के लिए लेनी पड़ती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। मगर मूलतः लगभग 90 से 95% लोगों को थायराइड की गोली आजीवन लेनी पड़ती है। तो ये सबसे उपयोगी चीज जो आपको पता होनी चाहिए। थायराइड के कारण एक और मिथ है, वो ये है, क्या थायराइड के कारण वजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हाइपोथायराइड पेशेंट कई बार हमें आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब से मुझे थायराइड की बीमारी हुई है तब से मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये भ्रांति एक इस तरीके की है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर इस भ्रांति की बात करें तो थायराइड के कारण अगर शुरुआत में वजन बढ़ता भी है तो वो 1.5 या 2 किलो ही होता है, वो भी शुरुआत में। आप जैसे ही गोली स्टार्ट करते हैं वो अपने आप पानी के रूप में पेशाब के नाक से निकल के चला जाता है। तो थायराइड के कारण होने वाला वजन बढ़ने वाला सिर्फ 1.5-2 किलो का जो असर आता है वो शुरुआत में ही खत्म हो जाता है। एक उदाहरण के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास कोई थायराइड का पेशेंट आया, वो बोलता है कि उसको 10 साल से थायराइड की बीमारी है। 10 साल के थायराइड की बीमारी के अंतर्गत अब उसकी मैंने दोबारा से जांच कराई है, मगर उसकी कंप्लेन क्या है, वो बोल क्या रहा है कि डॉक्टर साहब जब से थायराइड की बीमारी हुई है मेरा वजन 10 से 12 किलो बढ़ गया। तो क्या ये सही है? हमने जैसे ही थायराइड की रिपोर्ट कराई देखा तो थायराइड का लेवल एकदम नॉर्मल था। अगर किसी का थायराइड नॉर्मल आ रहा है तो वजन क्यों बढ़ेगा? वजन बढ़ने के 2 ही कारण होते हैं,
खाने में अनियमितता, मतलब आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, खाने में आप जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, खाने में मिठाइयां ज्यादा खा रहे हैं, खाने में शुगर इंटेक ज्यादा है। दूसरा, आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी उतनी अच्छी नहीं चल रही है। तो थायराइड के कारण वजन बढ़ने वाली जो भ्रांति है ये भी सरासर गलत है। तो अगर आप चाहते हैं कि थायराइड के मरीज हैं आप, आपका वजन ना बढ़े, तो सबसे उपयोगी सलाह आप ही के लिए, सुबह शाम टहलने जाना पड़ेगा और खाने में आपको अच्छे ढंग से बैलेंस फूड का इंटेक रखना पड़ेगा। अभी ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो हम अगले वीडियो में इसको और कवर करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।